तो गर्मी के मौसम में काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं श्रद्धालु। देखिए यहाँ से देखेंगे हम तो पूरा घाट दिखाई देगा, और देखोगे तो देखिए काफ़ी तादाद में श्रद्धालु स्नान करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। हर हर रंगे दोस्तों, जैसे गर्मी बढ़ी और धूप बढ़ी, आप देख रहे हो श्रद्धालु की संख्या नरोरा के गांधी घाट पर किस तरीके से बढ़ रही है, और काफ़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हो पीछे पूरा घाट फुल चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को करते हैं शुरू। ये देखिए पूरा नरोरा का गांधी घाट है, और आप सामने देख सकते हो श्रद्धालु काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं गंगे मैया में। जो घाट सारे खाली पड़े रहते थे, आज देखोगे तो देखिए सारे फुल चल रहे हैं। सारे घाटों पर देखिए श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं गंगा में। और जल की हम बात करते हैं, जल देखिए बिल्कुल क्लीन और जल पारदर्शी हो चुका है। जो मटमैला जल चल रहा था वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, आप देख रहे हो सामने। दोस्तों गर्मी के मौसम में आपको पता ही है, चिड़चिड़ाती गर्मी में श्रद्धालु काफ़ी पहुंचते हैं यहाँ पर, क्योंकि सबसे खूबसूरत घाट है नरोरा का ये, और सबसे बड़ा घाट है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। तो दोस्तों आप पीछे देख सकते हो काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं स्नान करने के लिए। गर्मी के मौसम में काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं श्रद्धालु। और दोस्तों आपसे बस यही कहना है कि आप ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाएं, और सीढ़ियों पर भी बैठ कर स्नान करें, क्योंकि आगे जाकर काफ़ी गहरा जल है, तो आप सीढ़ियों पर बैठ कर स्नान करें, ज़्यादा मौज मस्ती नहीं करें। और जो श्रद्धालु सिक्के जो चढ़ाते हैं गंगा में, तो ये बच्चे छोटे छोटे आप देख रहे हो मैग्नेट से निकालते हैं, और ये आपको दिख रहे हैं सामने ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों हम जल की बात करें तो जल देख रहे हो आप कितना साफ हो गया है, और काफ़ी जल ठंडा है। ये देखिए देखिए जल बिल्कुल क्लीन और पारदर्शी हो चुका है। जय माँ गंगे। तो दोस्तों संपूर्ण दर्शन करिए माँ गंगे के। और आपको मैं कच्चा वाला घाट दिखाता हूँ उस तरफ, जो वहाँ पर भी श्रद्धालु काफ़ी पहुँचे हुए हैं। इधर जो है ये है कच्चा घाट, देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी उस समय पर, लेकिन आप देख रहे हो बोरे डाल दिए गए हैं जो कटाव होता है जल से, तो अब वो नहीं होगा। और सामने देख रहे हो पूरा कच्चा घाट है, इधर भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं रेत में, और जो कुछ यात्री होते हैं उस तरफ स्नान करना पसंद करते हैं। तो आप सामने देख रहे हो, तो बोट द्वारा आप वहाँ पर जा सकते हो और स्नान कर सकते हो, जो कि आपको एक बोट एक पर पर्सन के 50 रुपये लेती है, और राउंड ट्रिप कराकर आपको लेकर भी जाएगी और छोड़कर भी आएगी। और फिलहाल में इधर से देखिए तो नरोरा का डैम काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। सावधानी बरतें, आप सामने देख रहे हो, देखिए छोटा सा बच्चा को आपको गोदी में लेके जा रहा है अंदर, ऐसे ये गलत करते हैं और दुर्घटना हो जाती है, फिर बदनाम होता है नरोरा के घाट का। देखिए यहाँ से देखेंगे हम तो पूरा घाट दिखाई देगा, कि इधर ये पूरा घाट है और सारी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। और इधर हम देखेंगे तो देखिए ये पार्किंग एरिया है, तो इधर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इधर आप आ रहे हो अपनी गाड़ी से तो यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हो बिल्कुल घाट के बराबर में ही, तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ी लगी हुई है। भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर, चिड़चिड़ाती, और धूप इतनी चटक्कर पड़ रही है, बस क्या ही कहने। और ये मैं जिस जगह पर सारे में डूल रहा हूँ, तो ये पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पर काफ़ी जगह है, तो अपनी गाड़ी लाकर यहाँ पर अच्छे से पार्क कर सकते हैं, और घाट पर जा सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। और जल जो देख रहे हो बिल्कुल ठंडा जल है, अभी मैं आया हूँ वहाँ से आपको दिखाया था। और फिलहाल में ये देखिए पूरी यहाँ की पार्किंग देखी देगी भाई, यहाँ पर सारी गाड़ी लगी हुई है पीछे, आप देख सकते हो। और जस्ट बराबर में ही है हाईवे, जो कि हाईवे जो आता है यहाँ से नरोरा के हमी चौराहे से आता है, वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूर है ये नरोरा का घाट, और यहाँ पर बड़ा सा टावर दिख जाएगा आपको। दोस्तों जो पत्थर पत्थर जो पड़े थे यात्री यहाँ पर जो स्नान करते थे, उस जगह को मैं दिखाता हूँ, और उस जगह पर घाट बनाने का काम स्टार्ट हो गया है, और मैं दिखाता हूँ आपको जिस जगह पर काम चल रहा है, और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और घाट बनेगा पक्का पूरा। तो यहाँ से गांधी घाट से लेकर बराबर तक वहाँ तक नरोरा के डैम तक पूरा पक्का घाट जो हो जाएगा, तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। देखोगे तो देखिए काफ़ी तादाद में श्रद्धालु स्नान करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, और जस्ट जैसे ही
इधर हम देखेंगे तो देखिए पूरा कच्चा है और बोरे से पड़े हुए हैं, ये कटाव नहीं हुए उस वजह से। और सामने जो काम चल रहा है आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर सामने काम चल रहा है ये घाट बनाने का। तो ये पूरा पक्का घाट बन जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर ये पत्थर वगैरह भी डाले जा रहे हैं और अंदर गंगा किनारे तक देख रहे हो आप सामने ये बोरे पड़े हुए हैं। ये देखिए जब ये घाट जो बन जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। तो काफ़ी बीच में ये घाट बन जाएगा तो यात्री स्नान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से स्नान कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो घाट काफ़ी बड़ा है बेशक भी तब भी वो छोटा पड़ जाता है। जब मेला दशहरा स्नान पर्व होता है तो उस समय पर ये घाट पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन ये घाट बन जाएगा पूरा तो देखिए काफ़ी सुंदर दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो सामने ये बोरे पड़े हुए हैं गंगा में। देख सकते हो देखिए चट्टाने लगा दी गई हैं और ये पत्थर कैसे सेट करे गए हैं। तो ये पूरा पक्का घाट बनेगा और फिलहाल में इस तरीके से दिखाई दे रहा है और जब बन जाएगा तो उसके बाद में इसकी वीडियो आपको मैं डाल दूंगा चैनल पर। और फिलहाल में आप देखिए ये स्थिति है यहाँ की, तो काफ़ी ज़ोर से काम चल रहा है यहाँ पर। जय माँ गंगे। और यहाँ से हम नर्रा का डैम देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। तो देखिए गेटों से जल निकलता हुआ आपको सामने साफ दिखाई दे रहा होगा। गेट फिलहाल में वैसे सारे बंद हैं, उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा जल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और जब बाढ़ का समय जो होता है दोस्तों तो ये आपको दिख रहे हैं गोले से जो दिख रहे हैं ये काफ़ी ऊपर तक जल पहुंच जाता है और पूरा डूब जाता है। और ये बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको जिस पर टावर जो खड़ा है तो इसके ऊपर भी जल चलता है, इतना जल पहुँच जाता है यहाँ पर नर्रा के डैम पर। और गंगे मैया देखिए यहाँ से हमारी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगी। तो हर हर गंगे दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं। दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी वीडियो जो कि मैंने आपको दर्शन कराए माँ गंगे के नर्रा के गांधी घाट से। और पीछे आपको दिख रहा है ये डैम काफ़ी खूबसूरत डैम है। तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं क्योंकि इसी तरह की वीडियो चैनल पर हमेशा मैं डालता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हर हर गंगे, जय माँ गंगे।